हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वीके और टीओआर के बीच होने वाले कनाडा टी20 के सेकंड मैच के बारे में। पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा आपको कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो कि जरूरी है, किन खिलाड़ियों पर रिस्क लेना है और किन को छोड़ना है। तो बस वीडियो को ध्यान से देख लेना, सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, जिससे आप एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बहुत आसानी से तैयार कर पाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और जो हमारा फाइनल अपडेट है, मतलब जो हमारी फाइनल टीम है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूं। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो दोस्तों बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, बहुत सारी अर्निंग आपसे मिस हो सकती है। इसके लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपको पहले कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, जाकर क्लिक करिए और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेन्यू के बारे में। मैच होने वाला है CAA सेंटर ब्रैम्पटन में। दोस्तों इस मैदान के ऊपर टोटल जो मैचेस खेले गए हैं वो है 19, जिनमें से 14 बार जो है वो चेस करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। और यहाँ पे चेस करने में ही फायदा है, क्योंकि दोस्तों कल के अगर मैच की बात करें तो वहां पर भी बारिश हो गई थी, तो चेस करने में दोस्तों आपके सामने एक अच्छा टारगेट सेट हो जाता है जिस पर आप फोकस करके खेल सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली जो स्कोर आपको देखने मिलता है, या तो 190 से ऊपर होता है या फिर 150 से नीचे। ये दो तरह के स्कोर आपको बार बार देखने मिलते हैं। पिछले मैच में क्या हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 121 बनाए थे MIP ने और BW ने 99 रन कर लिए थे 9 ओवर में। हालांकि दोस्तों बारिश की वजह से कम ओवर्स का मैच हुआ था। अब यहाँ पर देखें, आजम खान ने 65 का स्कोर किया, एरोन जॉन्स ने 48 का स्कोर किया था। ये नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे, ये ओपन कर रहे थे। यहाँ पर पावर प्ले में 3 विकेट चले गए, यहाँ 1 विकेट था, फास्ट बोलर्स को मिले 6 विकेट, स्पिनर्स को महज 2 ही विकेट हमने देखे थे। अभी दोस्तों एक मैच है, इसके पहले जो मैच खेला गया था वो 2019 में हुआ था, वो बहुत पीछे का मैच है, इसलिए वो रिकॉर्ड लिखने का यहाँ पे फायदा था नहीं, इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड लिखा नहीं। सिर्फ 2019 के उस रिकॉर्ड से आप कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दोस्तों पूरे 4 से 5 साल पुराना रिकॉर्ड है, तो उसका कोई फायदा है नहीं, इसलिए उसको हमने अवॉइड किया है। तो अभी के लिए आप ये मान के चल सकते हैं कि जो एवरेज स्कोर है आप 130-140 मान के चले। पावर प्ले में एक्सपेक्टेड 1 से लेकर 2 विकेट और फास्ट बोलर्स का थोड़ा ज्यादा डोमिनेशन आपको देखने मिल सकता है। अब अगर हम बात करें प्लेइंग 11 की, तो वीके और टीओआर इन दोनों टीमों के बीच में ये मैच होने वाला है, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे देखिए, फखर जमान, रिजा हेनरिक्स, वी अरविंद और आरबी दसन, इसके बाद ज़ादराना मिलते हैं, मतलब इस टीम का बैटिंग डिपार्टमेंट बहुत जबरदस्त है। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ आके देखते हैं टीओआर की तरफ, तो सैम अयूब, कॉलिन मनरो आते हैं, फिर एरेस्मस, अरमान कपूर और सिकंदर रजा। यहाँ पे थोड़े से मतलब 50-80 वाला चांसेस आप कह सकते हैं, बाकी बढ़िया इनका भी है, गेंदबाजी डिपार्टमेंट इनके पास में बहुत जबरदस्त है। अब अगर पावर प्ले और डेथ ओवर्स की बात करते हैं, तो आपको रूबेन ट्रंपलमैन, जुनैद सिद्दीकी और फेविन एलन, ये आपको पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। इधर से आपको फिर दोस्तों ट्रंपलमैन, जुनैद और कॉर्बिन बॉच, ये आपको डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए मिल जाएंगे। फिर यहां से आते हैं फजल लक, जमान खान और सरमद अनवर, इसके बाद दोस्तों यही तीनों गेंदबाज आपको डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी करते हुए मिल जाने वाले हैं। अब जरा देखिए दोस्तों, पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वेन्यू रिकॉर्ड की। तो वीके की तरफ से सिर्फ आरबी दसन ने इस मैदान पे 5 पारी में 208 रन किए हैं 52 के एवरेज के साथ में, और रविंद्र पाल सिंह ने 6 पारी में 54 का स्कोर किया है, और इसके अलावा किसी भी गेंदबाज ने यहाँ पर पहले गेंदबाजी नहीं की। पहला नाम है दोस्तों फखर जमान का। फखर जमान ने अपने 2023 में, मतलब इस साल, इन्होंने 37 के एवरेज को मेंटेन किया है और 9 बार 50 और 2 बार शतक लगाया है, मतलब ऑलमोस्ट 11 बार इन्होंने बड़ा स्कोर बनाकर अपनी टीम को दिया है। तो ऐसे में ये खिलाड़ी एक तो कंफर्म हो गया आपकी टीम में, और दूसरी चॉइस की आप इसे कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। अब इनके अगर हम कमजोरियों की बात करें, तो सिर्फ एक चाइना मेन गेंदबाज इनको ज्यादा परेशान करता है, जो कि आपको सामने वाली टीम में नहीं मिलता। मतलब इस खिलाड़ी को आप कंफर्म अपनी टीम में रखेंगे, और ये कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस भी है। नंबर 2 पर जो आपको नाम मिलता है दोस्तों, वो है रिजा हेनरिक्स का, जिन्होंने अपने T20 की कैरियर में 26 पारी में 38 के एवरेज को मेंटेन किया है, जिसमें 6 50 और 2 शतक है। दोनों शतक पहले बैटिंग करते हुए, 3 50 इन्होंने किया, 41 का एवरेज पहले बैटिंग करते हुए मेंटेन कर रहे हैं। हाल फिलहाल में इनकी भी कोई भी वीकनेस नहीं है, मतलब ये वो दूसरा प्लेयर है जिसको आप अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। नंबर 3 पर आपको मिलते हैं दोस्तों वृत्या अरविंद, जो कि विकेट कीपिंग करते हैं, T20 क्रिकेट में 1 मैच खेला है और 3 रनों का स्कोर किया है।
हालांकि दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय खेलते हैं अपनी टीम की तरफ से, लेकिन यहाँ पे आप अभी ये मान के चले कि इन्होंने T20 क्रिकेट एक खेला है और एवरेज से थोड़ा सा नीचे के प्लेयर है, मतलब विकेट फेंक के जा सकते हैं आराम से। नंबर चार पर आपको मिलते हैं रैसिस वेंडरदर्सन, जिन्होंने पिछले चार सालों के अंदर 19 पारी में मात्र 25 के एवरेज को मेंटेन किया। रिसेंटली राजस्थान के लिए खेले थे, आपने देखा होगा, और लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाज, इसके अलावा राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज, ये दो गेंदबाज इन्हें परेशान करते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे फजल अक फारूकी आपको मिलते हैं, इसके बाद सिकंदर रजा रहते हैं, और इसके बाद आपको जी इरेस्मस देखने मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये वो तीन गेंदबाज हैं जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं जो इन्हें परेशान करे। फिर है दोस्तों नजीबुल्ला जादरान, नंबर पांच। जादरान का अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक की बात करेंगे तो पिछले तीन सालों के अंदर मात्र 17 के एवरेज को मेंटेन किया है, जिसमें सिर्फ तीन ही बार 50 से ऊपर का स्कोर है। मतलब हाल फिलहाल की कंडीशन में इनको टीम से ड्रॉप करना ज्यादा बेहतर रहेगा। राइट आर्म मीडियम के सामने 17 का एवरेज है और लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने 5 का, तो इसके अलावा चाइना मैन के सामने 2 का एवरेज है। फजल अक फारूकी लेफ्ट आर्म मीडियम, जमान खान राइट आर्म मीडियम, फहीम अशरफ राइट आर्म मीडियम और सरमद अनवर ये भी राइट आर्म मीडियम गेंदबाजी करते हैं। इसके बाद दोस्तों रविंद्र पाल सिंह है जो कि राइट हैंड बैटिंग करते हैं, 6 पारियां खेली हैं, 54 का स्कोर किया है। हाल फिलहाल में सिर्फ फील्डिंग के लिए काम करेंगे अपनी टीम की तरफ से और ज्यादा कुछ खास रहेगा नहीं, बैटिंग आने के चांस भी थोड़े से कम ही है, नीचे खेलेंगे, तो ऐसे में इस खिलाड़ी को टीम से ड्रॉप करके हम चलेंगे। तो अभी हमारे पास में जो कंफर्म प्लेयर निकल कर आए खास तौर से अगर हम बात करते हैं तो रिजा हेनरिक्स और एक फकर जमान है, और इसके अलावा दोस्तों और कोई ऐसा प्लेयर अभी मिला नहीं है जिसे हम कंफर्म टीम में रखा जाए। फिर आते हैं दोस्तों हम नंबर 7 पे, तो यहाँ पे आते हैं कॉर्बिन बॉश, जो कि 13 पारी में 20 के एवरेज को मेंटेन कर रहे हैं और 13 पारी में 9 विकेट इन्होंने निकाले हैं अपने T20 के करियर में। तो हाल फिलहाल में ये है कि दोस्तों इनके बैटिंग आने के चांसेस तो बढ़िया है, क्योंकि टॉप ऑर्डर के पास मतलब इस टीम के पास है बैटिंग उतनी बेहतर नहीं है। अगर बैटिंग बेहतर नहीं है तो इनकी बल्लेबाजी आ जाएगी, बल्लेबाजी में अगर ये 15 से लेकर 20 या 30 रन का स्कोर करते हैं और साथ में एक विकेट निकालते हैं तो कंफर्म ड्रीम टीम में शामिल हो जाएंगे, इसलिए ये खिलाड़ी आपकी टीम में जगह बना सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों नंबर 8 फैबिन एलन अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको उनकी गेंदबाजी का रिकॉर्ड दिखा रहा हूं, 21 पारी में 22 विकेट है, पहले गेंदबाजी करते हुए 9, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 13 विकेट है। और इसके बाद दोस्तों कार्तिक मैयप्पन जो है ये लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये इंडिया के प्लेयर हैं, ये शायद तमिलनाडु प्रीमियर लीग खेला करते थे जहां तक मुझे याद है, या फिर दोस्तों साउथ की कोई लीग थी जहां पर ये खेला करते थे, मैंने इनको खेलते हुए देखा है। तो ये अच्छा गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाज है, इंडिया से मौका नहीं मिला तो ये बाहर चले गए, बाकी 14 पारी में 22 विकेट इनके खाते में शामिल है, इन पर आप रिस्क उठा सकते हो, बकायदा टीम में शामिल कर सकते हो। फिर इसके बाद दोस्तों नंबर 10 पर आपको मिलते हैं मोहम्मद कमाल, लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाजी करते हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेले, अगर आप इनका T20 का रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन जो एक मैच का रिकॉर्ड इनका मुझे मिला है जिसमें इन्होंने एक पारी में ही 7 विकेट निकाले हैं, मतलब 7 रन देकर 7 विकेट उन्होंने उस पारी के अंदर निकाले हुए थे T20 के अंदर की हम बात कर रहे हैं, और इसके अलावा इनका और कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। इस खिलाड़ी को हाल फिलहाल में स्मॉल लीग में तो नहीं रखेंगे, लेकिन जो ये रिकॉर्ड इनका बता रहा है तो इसके हिसाब से अब GL के अंदर अब कुछ एक या दो टीमों में ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों रूबेन ट्रंपल मैन है जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं, 21 पारी में 17 विकेट इनके खाते में है और 3 विकेट इनका हाईएस्ट है, तो ये वो खिलाड़ी है जिस पर आप थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हो स्मॉल लीग के अंदर। अब अगर हम TOR की बात करते हैं तो कॉलिन मुनरो एकमात्र प्लेयर जिन्होंने यहां मैच खेला है, 33 का एवरेज है और 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना वो पहले वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है, तभी तो दोस्तों मजा आएगा, और कुछ नया इंटरेस्टिंग सोचा हुआ है मैंने आप लोगों के लिए, बस मैं आपको जल्दी बताने वाला हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। अब यहां पर देखें दोस्तों सेम अयू अभी रिसेंटली अभी इंडिया ए और पाकिस्तान ए के मैचेस चल रहे थे वहां पर खेलकर आए और अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, हालांकि T20 क्रिकेट बढ़िया खेला इन्होंने, 21 पारी में 23 का एवरेज है, पहले बैटिंग करते हुए 3.50, सेकंड बैटिंग करते हुए 2.50 है, और जो PSL चला था अभी पाकिस्तान सुपर लीग जो हुई थी लास्ट वाली उसमें एंड में आकर इन्होंने बढ़िया स्कोर किया है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने एवरेज इनका 10 का होता है और लेग ब्रेक के सामने इनका एवरेज 9 का होता है। आपको सामने वाली टीम में कौन मिलता है, रूबेन और कार्तिक मैयप्पन। इसके बाद कॉलिन मुनरो है, इनके बारे में बताने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, आप फिर भी देखिए 38 पारी में, मतलब इस साल की हम बात कर रहे हैं 2023 में, 38 पारी में एवरेज 24 का है, पहले बैटिंग करते हुए 2.50 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 3.50 है,
कमजोरी के नाम पे लेग ब्रेक गेंदबाजी के सामने परेशान होते हैं, तो कार्तिक मैयप्पन का नाम आपको फिर से देखने मिलेगा दूसरी बार, और ये खिलाड़ी वैसे आपके कैप्टन वाइस कैप्टनसी का काम कर सकता है। इसके बाद नंबर तीन पर आपके सामने आते हैं दोस्तों, यहाँ से अरमान कपूर, एक मैच खेला है, एक रन का स्कोर जिसमें उन्होंने किया था। बैटिंग डाउन इनका ऊपर नीचे हो सकता है, हालांकि ऊपर तो क्या ही होगा नीचे ही हो सकता है, तो हाल फिलहाल की स्थिति में इनको रखने का फायदा आपको नहीं है। फिर है दोस्तों सिकंदर रजा, नंबर चार पर बैटिंग करेंगे क्योंकि इस टीम के पास में बैटिंग उतनी अच्छी है नहीं, तो ये नंबर चार पर बैटिंग करने आएंगे, तो ऐसे में ये कैप्टनसी का बढ़िया ऑप्शन बन जाते हैं क्योंकि ये आपको अपने तीन से चार ओवर कंप्लीट करके देंगे, साथ में आपको बैटिंग भरपूर मिल जाती है, एवरेज 34 का है और विकेट भी 24 पारी में 14 निकाले, हर मैच में विकेट नहीं मिलता है लेकिन फिर भी आप ये मान के चल सकते हैं कि आपको बहुत हद तक सेफ रखकर चलेंगे। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने एवरेज इनका 15 का होता है और ऑफ ब्रेक के सामने जो इनका एवरेज है वो 11 का है, तो रूबेन ट्रम्पलमैन जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम है वो आपको मिलते हैं इस टीम के पास में जो कि इस तरह की गेंदबाजी कर लेते हैं। फिर है दोस्तों शाहिद अफरीदी, पुराने चावल, 13 पारी में बैटिंग एवरेज 17 का है, लेकिन ये एवरेज के लिए नहीं जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं इनके स्ट्राइक रेट के लिए, 161 का स्ट्राइक रेट है। एक गेंद खेलेंगे, दो गेंद खेलेंगे, कोशिश यही होगी उन दो गेंदों में भी दोनों में छक्का मारा जाए। और रही बात गेंदबाजी की, तो 17 पारी में 10 विकेट है, लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं, पहले गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट है, और लेग ब्रेक गेंदबाजी इनको बहुत ज्यादा परेशान करती है, तो मतलब कार्तिक मैयप्पन पर रिस्क स्मॉल लीग के अंदर लिया जा सकता है क्योंकि हम तीसरी से चौथी बार उनका नाम देख रहे हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हमजा तारिक विकेट कीपिंग करेंगे इस टीम की तरफ से, और 6 पारी में स्कोर किया है इन्होंने 62 रन का। अब आपके पास में एक तो वी अरविंद है जो कि या तो ओपन करेंगे या वन डाउन करेंगे, और एक दूसरा प्लेयर आपको मिलता है हमजा तारिक जो कि नंबर 6 पर बैटिंग करता है, तो बहुत हद तक हमारे पास में क्लियर ऑप्शन है कि हमें वी अरविंद के साथ में जाना बेहतर रहेगा। और रही बात दोस्तों रिजवान की, तो मोहम्मद रिजवान को अगर कोई आपको बता रहा है तो अभी हाल फिलहाल में दोस्तों मुझे स्क्वाड में देखने मिले थे, वो टेस्ट क्रिकेट जो चल रहा है अभी उसके स्क्वाड में वाइस कैप्टन के तौर पर मुझे नजर आए थे, तो हो सकता है कि वो तो शायद नहीं खेलेंगे, तो इसलिए रिजवान बाहर है। राइट आर्म मीडियम के सामने इनका 7 का एवरेज है, तो यहाँ पे कॉर्विन बॉश और सिद्दीकी आपको मिलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों फहीम अशरफ है, 25 पारी में 28 का एवरेज है, पहले बैटिंग करते हुए एक बार 50 से ऊपर का स्कोर है और 30 पारी में 24 विकेट इनके खाते में है। ये डेथ ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं फहीम अशरफ खास तौर से, तो इनको ये बेनिफिट मिलता है और साथ में बैटिंग कर लेते हैं तो वो तो एक प्लस पॉइंट है ही। फिर इसके बाद दोस्तों अगला नाम सरवन अरवर का, 14 पारी 16 विकेट इनके खाते में है, 3 विकेट इनका हाईएस्ट है। ऐसा ही कुछ अरमान मलिक का है दोस्तों, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं, 1 पारी में इन्होंने निकाला है 1 विकेट। अंतिम जो दो नाम है, एक जमान खान और फजल फारूकी, इन दोनों को रख लेना टीम में, इन दोनों को मत छोड़िएगा चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, क्योंकि और खास तौर से अगर पहले गेंदबाजी कर रहे हैं तो इस खिलाड़ी को तो आपको नहीं छोड़ना है, सेकंड में एक बार फिर भी आप छोड़ सकते हो लेकिन फर्स्ट में नहीं छोड़ना, और ये खिलाड़ी आपके लिए जरूरी है जमान खान, क्योंकि डेथ ओवर के जो आखिरी दो ओवर है ना वो इनके खाते में गिरेंगे, तो आप इनको जरूर टीम में रख लेना। अब आते हैं दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टनसी में, आप रिकॉर्ड भी देख लीजिए, सीधा मैं आपको थोपूंगा नहीं, आप यहाँ पे देखें 27 में 40 विकेट इनके पास है, लगभग 13 विकेट ज्यादा मिलते हैं, पहले गेंदबाजी करते हुए 10 में 19, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 17 में 21 है। और रही बात फारूकी की, तो 12 में 15 और 10 में 13 का रिकॉर्ड आपको मिलता है, मतलब ये दोनों का रिकॉर्ड बढ़िया है, और आप चाहो तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। अबे दोस्तों यहाँ पे चॉइसेस के बारे में, तो सिकंदर रजा, कॉलिन मुनरो, फखर जमान, ये स्मॉल लीग के लिए है, रजा बढ़िया ऑप्शन है क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देते हैं। इसके अलावा जमान खान, हेनरिक्स और आरवी रसन, जिन्हें आप जीएल के अंदर ट्राई कर सकते हो, और आप कॉम्बिनेशन देखिए दोस्तों, वी अरविंद विकेट कीपर में है, फिर फखर जमान, दसिम को रखा हुआ है, हेनरिक्स है, कॉलिन मुनरो है, सेम अयूब, सिकंदर रजा, कॉर्विन बॉश, इसके अलावा फजल हक, जमान खान और के मैयप्पन, ये हमने कॉम्बिनेशन तैयार किया है। ज्यादा से ज्यादा इतना किया सकता है कि आरवी रसन के स्थान पे किसी दूसरे प्लेयर से आप शाहिद अफरीदी को रख लें या फिर किसी और दूसरे गेंदबाजी ऑप्शन को आप बढ़ा सकते हैं, तो ये हम डिसाइड करेंगे टॉस के बाद टेलीग्राम पे। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो दोस्तों ज्वाइन कर लो, वो गलत बात है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय भारत।